नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। गंज वासोदा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। गंज वासोदा में आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। स्वास्थ्य विभाग की टीम झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए, और समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे यहाँ पे जो भी अवैध रूप से जो अपनी क्लिनिक संचालित कर रहे हैं डॉक्टर लोग, उनको मालूम पड़ गया था। तो काफ़ी दिनों से हम चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी दुकानें बंद पड़ी हुई थी। तो आज इस सिलसिले में हमने 3 दुकानों को सील किया है बासोदा में, जिनके पास किसी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रखा है उन्होंने और किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो हमने ऐसी 3 दुकानों को सील किया है। 2 दुकानें त्योंदर रोड पे हैं, 1 दुकान ब्रेड रोड पे है, बाकी आगे भी कार्रवाई। ऐसी कई क्लिनिक हैं रास्ते में खुली थी, लेकिन आप सीधे आ गए, तो क्या उनको आगाम कार्रवाई की जाएगी आगे? नहीं, जैसे रास्ते में कुछ क्लिनिक ऐसी जैसे आप बता रहे हैं कि एक जो भी क्लिनिक थी सारी बंद मिली है मुझे तो, और कुछ जगह पर तो बोर्ड लगे थे, हम जहाँ पर अंदर गए तो वहाँ क्लिनिक ही नहीं थी, ना ही कोई था, तो ये भी देखा आपने। और ऐसी तो कोई जो पहली चीज़ तो प्रायोरिटी ये होती है, इनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो ऐसे उनको चिन्हित करके पहले कार्रवाई की जाए। इसके बाद देखा जाए कि जो डॉक्टर्स लोग इनके पास डिग्रियां हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनसे फिर जांच की जाए उनकी। तो पहले उसी चरण में आज पहली कार्रवाई हुई है और सतत तो फिर आगे जारी रहेगी।